हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रैशनलाइजेशन का Part-3। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने हमारे फर्स्ट टू वीडियोस मिस करे हैं जिसमें मैंने रैशनलाइजेशन के बेसिक्स डिस्कस किए थे, तो अगर आपने वो मिस कर दिए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसके न्यूमरेटर में हमारे पास √3 + √2 वैल्यू है और डिनोमिनेटर में √3 - √2। तो सबसे पहला बेसिक स्टेप जो है वो सेम रहेगा सभी में, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे विद द ऑपोजिट साइन। दैट मीन्स अगर डिनोमिनेटर में माइनस था तो यहाँ प्लस होना चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ऊपर हमें क्या मिल गया, √3 + √2। नीचे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a - b × a + b। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, √3² - √2². अब ऊपर ध्यान से देखिए, ये है a + b × a + b। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है a + b² a² + 2ab + b². तो ये उसी तरह का ही फॉर्मूला है, इसको मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको। √3 + √2 का होल स्क्वायर बन गया। नीचे हमारे पास क्या आ गया, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2। ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a² + b² ए की जगह पर क्या है √3, बी की जगह पर √2। दैट मीन्स a² + √3 × √2 बन गया + b², दैट मीन्स √2². नीचे बनेगा 1, 3 - 2 1। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, 3 √3 का स्क्वायर 3 प्लस। अब यहाँ मिस्टेक क्या करेंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, 2 × 3 × 2, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बट ध्यान से देखिए, ये बिना रूट के है, ये दोनों रूट के साथ हैं। तो आप क्या करेंगे, जो रूट वाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स 2√6 आ गया, 3 × 2 = 6 प्लस √2 का स्क्वायर 2, नीचे रहेगा 1। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं जो बिना रूट के हैं, 3 + 2 = 5 प्लस 2√6 डिवाइडेड बाय 1। 1 को ओमिट भी कर सकते हो तो यू विल गेट योर आंसर एज 5 + 2√6। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो आप देख सकते हैं कि रैशनलाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, बस उसको स्टेप वाइज स्टेप आपने इम्प्लीमेंट करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में कि जितना टिपिकल है उतना ही आसान है सॉल्व करने के लिए। बस देखने में ये नीचे 48 और 18 बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे। बट आपका जो फर्स्ट बेसिक स्टेप है वो हो जाने के बाद ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आइए देखते हैं। अब हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास नीचे 48 और 18 है। पहले हम देख सकते हैं कि ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो रूट के अंदर कुछ सॉल्व हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम क्या करेंगे, 48 का एलसीएम ले लेते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 24 12 6 2 3। तो ये पेयर बन गया, दैट मीन्स 2 × 2 × 2 × 2 × 3। दैट मीन्स हम अभी न्यूमरेटर को ऐसे लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर में मैं √48 को लिख रही हूँ। 2 2 = 4 4 2 = 8 8 2 = 16 16 √3। ऐसे क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मैं जानती हूँ कि √16 की वैल्यू 4 होती है, तो मैं 4 को बाहर निकाल सकती हूँ। प्लस इसी तरह से हम 18 को लिखेंगे, 3 पे जाएगा अभी, 3 3 = 9, 3 1 = 3। अब 9 2 लिख सकती हूँ मैं इसको, क्योंकि मैं जानती हूँ कि 9 का स्क्वायर रूट इज़ 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 4 बाहर √3, इसमें से 3 बाहर और 2
अंदर। अब ये एज सेम क्वेश्चन पहले की तरह बन गया, सिर्फ यहाँ से टिपिकल इसलिए लग रहा था। और आपको पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन इज दिस, कि आपको पता कैसे चलेगा इसको ऐसे लिखना है। आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हम रैशनलाइजेशन के कर चुके हैं, उनमें जो रूट के अंदर वैल्यूज़ होती हैं दे आर प्राइम नंबर्स, दीज आर नॉट प्राइम नंबर्स, तो इसीलिए इसको स्प्लिट करना पड़ा। अब आप देख सकते हैं जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू बन चुकी है वो प्राइम नंबर्स हैं, ये 3 और 2 क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। आइए आप सॉल्व करते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, सिंपल रैशनलाइजेशन वो हम कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर के साथ ऑपोजिट साइन के साथ, ठीक है। अब न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बन गया, 4√3 प्लस 5√2, अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बन गया, a प्लस बी एंड a माइनस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर को कैसे सॉल्व करेंगे, 4√3, पहले 4√3 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5√2 को मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर किस तरह से सॉल्व होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि 4√3 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं इसका मतलब होता है 4√3 इंटू 4√3। अब हम जो बिना रूट के हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 और 4 = 16, √3 इंटू √3 दैट इज 3, आंसर इज 48। इसी तरह से 3√2 को सॉल्व करते हैं, 3√2 इंटू 3√2, 3 3 = 9, √2 इंटू √2 इज 2, विल गेट 18। अब आगे चलते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4√3 इंटू 4√3 अभी करके हटे हैं, आंसर इज 48। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब ध्यान से देखिए, 4√3 है, यहाँ पर 3√2 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 6, ये कैसे आएगा, 5 4 = 20 √6 माइनस 5 3 = 15 इंटू 2, दैट मीन्स 5 3 = 15 इंटू 2 30, और डिनोमिनेटर में 48 माइनस 18 इज 30। अब यहाँ से हमारे पास 48 माइनस 30 दैट इज 18 माइनस 12 प्लस 20, 20 में से 12 निकाले दैट इज 8, और साइन किसका आएगा, प्लस का, यानी कि 8 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 30। अब आप देख सकते हैं 18 और 8 में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बना हमारे पास 9 प्लस 4 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 30। अब इसको कैंसिल कर दीजिए तो यू विल गेट योर आंसर एज 9 प्लस 4 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 15। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है एग्ज़ाम पेपर में। एक तो ये लंबा है, बट अगर हम इसे स्टेप वाइज स्टेप करेंगे तो श्योरली यू विल गेट योर आंसर। तो अब हम चलते हैं रैशनलाइजेशन के कुछ एक नया टाइप देखते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 इज इक्वल टू a माइनस 6√3। देखने में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टिपिकल लग रहा है बट बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हमें लेफ़्ट साइड पार्ट को ले लेना होता है। तो लेफ़्ट साइड पार्ट की रैशनलाइजेशन कर देते हैं हम, 7 + 4√3 इसको रैशनलाइजेशन करते हैं सबसे फर्स्ट सिंपल स्टेप के साथ। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 + 2√3 7 - 4√3, डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a² - b², ए स्क्वायर की जगह पे 7² - 4√3². यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट को, फिर 2√3 के साथ 7 - 4√3, 7²
49, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48. आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे सिंपल, 5 सेवन ज़ा 35, 5 फोर ज़ा 20, 7 टू ज़ा 14, 14 रूट 3 माइनस 8, 4 टू ज़ा 8, 8 इंटू 3 24. नीचे क्या बच गया हमारे पास, 1. तो अब माइनस करेंगे 35 माइनस 24 11, माइनस 6 रूट 3 डिवाइडेड बाय 1. ये होगी हमारी रैशनलाइजेशन सॉल्व. आप क्या करेंगे, राइट साइड को इस साइड लिखेंगे, a माइनस 6 रूट 3. अब ऑन कंपेयरिंग आप देख सकते हैं a की वैल्यू क्या बन रही है, 11, और माइनस 6 रूट 3, ये भी माइनस 6 रूट 3, ये कंपेयर हो गया. दैट मीन्स a की वैल्यू, आंसर क्या है हमारे पास, a की वैल्यू 11. तो आज की वीडियो में इतना ही. आज हमने कुछ नया टाइप सीखा रैशनलाइजेशन का. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए. ये रैशनलाइजेशन सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का, नंबर सिस्टम का. आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें. हैव अ गुड डे.